बागपत जनपद के बड़ौत कोतवाली में दिन दहाड़े सरेआम गोलीकांड की बड़ी वारदात सामने आई है। दरअसल हत्या की सनसनीखेज वारदात बावली गांव की है, जहां शिवम उर्फ फोर्ड नाम का एक युवक गांव से दुकान पर सामान लेने आया था और जैसे वह सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचा तो पहले से ही चार बदमाश घात लगाए हुए थे और उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। इस दौरान शिवम को चार गोलियां लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। वहीं दिन दहाड़े हुई हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और एएसपी सीओ सहित बड़ी संख्या में दो थानों की फोर्स मौके पर पहुंची। फिलहाल मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया गया है। ये थाना बड़ौत क्षेत्र में बावली गांव की घटना है कि जहां पर एक शिवम नाम का लड़का था जिसकी उम्र करीब 25 वर्ष है और गांव में ही उसके कुछ लड़कों के साथ विवाद हुआ जिसमें कि मारपीट के दौरान हमलावरों ने उसको गोली मार दिया, उसकी मृत्यु हो गई है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा गया है। हमलावरों के बारे में पुख्ता सबूत मिले हैं, हम लोग कार्य कर रहे हैं, टीमें गठित की गई हैं, शीघ्र ही अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जो मृतक है इसके ऊपर भी कई धाराओं में कई अभियोग पंजीकृत हैं, हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम पर क्षेत्राधिकारी बड़ौत के नेतृत्व में दो टीमें कार्य कर रही हैं।